अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग बस पूरा ब्लॉग देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जैसे आप लोग करते हो ऐसे करते रहिए। इसी के साथ साथ हमारे ब्लॉग को स्टार्ट। और अभी मेरी सुबह हो चुकी है, आज जो है ये मेरा तकरीबन 2.5 दिन हो जाएगा अगर मैं इस सूट को पहन के रखूंगी, नहीं सॉरी 2 दिन आज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे शाम तक कि इसको पहन के रखूंगी। तो आज माम नदीम जो है मेरे कपड़े स्टिच कर रहे हैं, देखते हैं माम नदीम कैसे हमारे कपड़े सीते हैं। सिंपल और अच्छा बनाया, सिंपल अच्छा के मामू ने बोला कि मैं तुम्हें सही सीख दूंगा। वैसे मैं हमेशा बाहर सिलवाती फ्रॉक्स वगैरह ना, इस बार मामू सीख दे। मामू ये फिटिंग में हो, फिटिंग में ही है ना? ये फिटिंग में चाहिए, सही है, ठीक है। तो ये जो है मामू सीख के देंगे, अब देखते हैं कि मामू कैसे सीख के देते हैं हमें ये। इसका सुबह से जो है मामू ने 3 दिन के बाद एक ट्राउजर तो सी दिया है आज, और अभी जो है ये फ्रॉक रहता है, देखते हैं आज ये कब तक। खुद काम नहीं होता मामू का, खुद जो है ना गंज भी नजर आने लग गया। और जो है 3 दिन लगा के मामू नदीम ने ये कारनामा अंजाम दिया है, इसका मैं क्या करूं। खैर बस जो भी है सही है। जब तक जो है मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, घर देखें कैसा हो रहा है इस टाइम, और मन्नू का खाना भी बनाना है मैंने, तो ये बॉईल करके सब चीजें करके फिर मैं आप लोग के सामने आती हूँ। मामू यहाँ पर नमाज पढ़ रहे और यहाँ पे गुल्लू जो है देख रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अम्मी गुल्लू को देखो कैसे देख रहा है मामू को। गुल्लू का चूहा, गुल्लू का चलो। इसको तो देखो, अभी जो है हम इस बुढ़े चूहे को जो है सजाए मौत देने लगी हूँ मैं। सजाए मौत इसलिए क्योंकि इसे गुल्लू खेलेगा। नहीं खेल रहा, हाँ ऊपर से टांग दो, ऊपर से हाथ से। और मुझे जाना था आपा के साथ कहीं बाहर। माम नदीम ने मेरे कपड़े नीचे वो चले गए हैं दिलबर के साथ कहीं सदर, और मुझे आज कपड़े चेंज करने थे। मैंने मामू को कहा भी था, मैं 3 दिन से कह रहे हो मुझे कपड़े सीखे थे, पता नहीं क्यों नहीं सीखे तेरे। अभी तक सिर्फ ट्राउजर सिला, खैर देखते हैं मैं कोई और कपड़े निकाल लेती हूँ और वो पहन लेती हूँ। और अभी रानो मैडम जो है ये आ चुकी है। रानो आगे बैठो, रानो प्लीज हैव योर सीट प्लीज। तो आपा का काम करा के मैं वापस घर आई हूँ। आई एम वेरी 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 टायर्ड राइट नाउ। अच्छा मैम बताएं कैसे लगे आपको चावल? चावल तो अब जो है शाहरुख ट्राई कर, 2-3 चावल अम्मी के देखो, अम्मी ने यहाँ पे निकाले। चलो शाहरुख खा के बताओ कैसे। मजे के हैं, 100 में से 80। अम्मी अभी आपकी बारी, जज ना हो कैसे है अम्मी, 100 में से 100 आपको अच्छे लगे? जो है रमजान से पूछते हैं, रमजान जल्दी करो खाओ बताओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी बताओ, 100 में से 90% बहुत अच्छे हैं। तो गाइस अभी मैं रहती हूँ और मैं बताऊंगी कि कितना परसेंट देना देती हूँ मैं इन चावलों को। तो खैर अभी जो है अपना फर्स्ट बाइट लेने लगी हूँ और आपको जो है ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, क्योंकि 100% 95%। ये देखो ये मामा नदीम की टिकटॉक पर है, न्यू हेयर स्टाइलिस्ट है इसका। अभी ये लोग बनाएंगे वीडियो, आ तेनू मौज करावा। अम्मी इधर तो देखो। ये इनके काम है, ये तो देखे अल्लाह, यू गाइस आर वेरी क्रिंज। मैं वो देखो देखो ये देखो, यहाँ पर जो है मैं जा रही थी सलोन जा रही थी काम सिखाने के लिए। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम जब मैं यहाँ पर सलोन जा रही थी, बट मुझे जाना था क्योंकि, और मैंने उससे कहा था कि मैं लेट आऊँगी अपनी मम्मी को छोड़कर, बट मुझे पता कि कैंट स्टेशन तक जाते थे मैं वापस आती तो मैं बहुत टायर्ड फील करती हूँ मैं बाइक पर जब थोड़ा सा भी ट्रैवल कर लेती हूँ, जाके मैं मम्मी के जाने से पहले ही क्या कहते हैं क्लास लेकर आ जाऊँगी। ये कुछ भी जो आपका काम है आप उसको सबसे पहले देखो, क्योंकि ये और मैं अपने जो मेरा प्रोफेशनल काम है ना इसमें मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ना मतलब मैं अपना 100% दूँ, और ऐसा कोई भी ऐसा कोई टाइम ना है कि उनको जो है जो मेरा आगे स्टूडेंट जो मुझसे सीख रहा है और या फिर जो भी है मेरे सामने तो उनको कोई मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। तो इसलिए जो है मुझे वहाँ पे जाना है। आप भी किसी को काम सिखाते हैं या फिर आप लोगों को भी प्रोफेशनल काम है तो उसको 100% दो, कभी भी उसमें कोई भी मैं खयानत और मतलब उसमें ना बेईमानी ना करो। तो खैर यहाँ पर गई थी मैं सलोन, मैं क्लास दे रही हूँ। तो अभी लैश, अभी नेल्स का जो है क्लास हो चुका है और अभी हम लोग कर रहे हैं लैश क्लासेस। इसको करने के बाद फिर मैं जाऊँगी वापस घर,
घर जाके जो है अम्मी को छोड़ने जाना है। अम्मी को मैं बोल कर मुझे बस थोड़ी सी देर के लिए टाइम दो कि मुझे क्लास देने जाना है, फिर हम जाएंगे आपस घर। जो है हम लोग जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, क्लास मेरी एंड हो गई थी। हाँ। बस अम्मी का सामान भी सारा उठा लिया, अम्मी जा रही है 3 दिन के लिए। अम्मी के जो रिंग्स वगैरह रह गई थी ना वो अम्मी को उठाने जानी है, तो और किसी का भरोसा नहीं है इसलिए अम्मी खुद जा रही है। तो बस अभी छोड़ के आ जाएंगे, फिर मैं भी जा रही हूँ अम्मी के पास छोड़ने। मेरा अपना बैग अपने साथ उठाया हुआ है, छोड़ के फिर चल जाऊंगी। 1 घंटा वेट करने के बाद हमारी बस जो है वो पधार चुकी है। गमले भी ले जाओ साथ में, खेलना इनके साथ, इनको रिंग्स पहना के लेना सोने की। सामान अम्मी का रख रहे हैं हम लोग अंदर, कर छुपा के बैठी हुई अम्मी, निकाले हम आराम से। अम्मी अभी जा रही है अंदर, उनको बिठाने के लिए जा रहा है, जो अम्मी की सीट वगैरह ढूंढ रहे हैं। क्या अम्मी फिर ओके सही है जो मामू मेरा फ्रॉक सी रहे, इतना प्यारा सिल रहा है मामू, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। हालांकि इतना था नहीं, लेकिन हमने ना इसके अंदर दुपट्टा दुपट्टा ऐड करके कलियों वाला बना रहे, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। मैं आपको लोगों को पहन के दिखाऊंगी फिर। मेरी गोद में सो गए शाहरुख और मोहम्मदीन, गए थे मन्नू का खाना लेने के लिए। कौन कौन सा लाए? एक फ्लैक्स लाए हैं और एक विकास लाए हैं। फ्लैक्स जो है 450 का आता है और जो हाइपर है वो आता है 600 का। और अब बुन्ने को लेके जाएंगे मेरे बच्चे को, ये थोड़ा सा सैड होता है तो हम इसके लिए इतना अच्छा था, कहते अभी इसका वैसे हाइपर खाता है बहुत बहुत तेज है शाहरुख की, तुम्हें इसका पता नहीं है। क्यों नहीं उसको आराम से उठाओ, उठाओ आराम से, ये फंसा हुआ नीचे उठाओ। अभी मैं अपने लिए निकाल रही हूँ दूध, क्योंकि रात का टाइम है और रोजाना दूध पी के सोना अच्छी चीज होती है। मैं ठंडा दूध पीती हूँ क्योंकि मुझे ना अदर गले में गैस भी होता है, उसकी वजह से मुझे जो दूध पीना और अच्छा लगता है। सीने में बहुत ज़्यादा जलन थी और मैंने मुझे सबने बोला कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ये रहेगी, मतलब जितना मंथ में प्रेगनेंसी होती है उतने में ये रहता है। और मेरे जो बहुत इसका प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं उसको दूध को पी लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो है 4th day भी खत्म हो चुका है लेकिन मामू नदीम ने आज भी मेरा सूट नहीं सिया, अभी कुछ देख रहे हैं। खैर वो कल इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि वो कल तक सी देंगे। खजमल के दांत बहुत निकल रहे हैं इस बात साथ साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर है। आज जो है बेड लग चुका है गुल्लू का, जो है हमने माउस भी रख दिया है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि मुझे बेड जो है साफ करके दो, इसका तरीका देख रहा हूँ तरीका। हाँ ये इसका तरीका है। चारों कब तकियों पर गया ना, वो तकिए साफ करके दो मुझे, मैं नहीं सोऊंगी ऐसे। ये इसकी जो शर्ट है इसने आउटफिटर से ली है, ये थी पता नहीं कितने की 2000 और आई थिंक 200 की थी, और इसने जो है 1100 की ली है। इट वॉज 50% ऑफ लगा हुआ है, आप लोग भी जाके फौरन से परचेज करें करके दो ना सही से। बॉल भी रखी क्योंकि गुल्लू जो रात को सब सोता है तो उसको इन चीजों के बगैर नींद नहीं आती, वो हमारे बेड के ऊपर सोता है, मैं नीचे सोती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम मेरे पास आता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मिलूं कल आप लोगों को नए और मजेदार से व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।